आरएसएस का स्थापना दिवस चौगान स्टेडियम में शस्त्र पूजन और पथ संचलन किया गया। ऋषि गाला भाग पाउंड्रिक नगर की ओर से आयोजन जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज आरएसएस अपना स्थापना दिवस मना रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान आज के रहने वाले हैं योगेंद्र? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 99 साल पूरे हो चुके हैं और 100वीं जो वर्षगांठ है वो अगले साल मनाई जाएगी, लेकिन जो संघ की स्थापना हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी, विजयादशमी पर ही हुई थी। और जिस तरह से संघ यानी जो भी स्वयं सेवक है, संघ कार्यकर्ता है, वो पूरे देश भर में अलग अलग जगह पूरे, क्योंकि यहाँ पर संघ की शाखाएं चलती हैं अलग अलग, जिस तरह से जयपुर को भी अलग अलग जिलों में बांटकर वहां पर लोगों को यहाँ किस तरह से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है और इनके जो कार्यक्रम होते हैं, अस्त्र शस्त्र पूजा की जाती है, क्योंकि जब आजादी का समय था उस दौरान भी युद्ध में और यहाँ जो रूलर थे, जो अंग्रेज थे, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की थी। तमाम जो परिपाटी है उसे आज भी संघ के जो कार्यकर्ता हैं जयपुर में भी, चाहे चौगान स्टेडियम हो या फिर एक दूसरा कार्यक्रम भी होने वाला है अलग अलग जगह, और खासकर नागपुर में जिस तरह से आपने देखा कि जो विजयादशमी पर्व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से मनाया जा रहा है, प्रभात फेरियां निकाली जाती है और कुछ देर में ही कृषि शस्त्र पूजा और अन्य जो कार्यक्रम थे, जो युद्ध कौशल के जो कार्यक्रम थे वो हो चुके हैं। अब जो पंथ संचलन का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसमें की जो अब जिस तरह से चौगान स्टेडियम की मैं बात कर रहा था, चौगान स्टेडियम में जो कार्यक्रम हो रहा है वो ऋषि गाला महानगर जो जिला है उसकी तरफ से किया जा रहा है, और इसमें सैकड़ों की संख्या में जो स्वयं सेवक हैं वो राष्ट्रवाद का नारा लगाते हुए और अलग अलग तरीके से जो अपना कौशल दिखाते हुए पंथ संचलन कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।